मैक्सिमम स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे जल्दी याद नहीं होता और जो याद रहता है वो भी एग्जाम के टाइम भूल जाता हूँ। परीक्षा का नाम सुनते ही कुछ स्टूडेंट्स की तो जान ही निकलने लगती है क्योंकि उन्होंने तैयारी की ही नहीं होती है। और ऐसे समय में एक तरीका ही काम आता है कि कैसे भी करके हमें जल्दी याद करना है। इसलिए मैं एक बार फिर से जल्दी याद करने के बेहतरीन तरीके लेकर आया हूँ जो कि वैज्ञानिकों के टेस्ट और रिसर्च के आधार पर है और ये तरीका आपके पढ़ाई पर 4 चांद लगा देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। जल्दी याद ना होना, पढ़ा हुआ भूल जाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन विज्ञान के जरिए हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस टेक्निक से आप लंबे से लंबे और कठिन से कठिन प्रश्न को याद कर लेंगे। दोस्तों इसमें बताए गए टेक्निक्स बिल्कुल ही फायदेमंद है। एग्जाम के कम समय में ही आप जल्दी से याद कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी कोई प्रश्न या उत्तर याद करना हो तो शांत और एकांत जगह पर बैठना चाहिए। इससे हमारे दिमाग में जल्दी से बैठ जाता है कोई भी क्वेश्चन का आंसर। नंबर 2, याद करते समय हमारा दिमाग बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। उस समय हमें किसी भी तरह की हड़बड़ी या जल्दीबाजी, घबराहट, चिंता, क्रोध या दुख नहीं होना चाहिए। जल्दी याद करना है आपको, लेकिन हड़बड़ी में याद करने से सब कुछ भूल जाते हैं, इसलिए जल्दीबाजी में बिल्कुल याद ना करें, अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखें। नंबर 3, वैज्ञानिक रिसर्च कहता है कि हर प्रश्न को समझकर याद करना है। कुछ लोग बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी में रटने लगते हैं और एग्जाम टाइम में उसका एक भी पॉइंट आपको याद नहीं रहता है। रटने से दिमाग में आंसर बिल्कुल भी बैठता नहीं है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे समझ कर शुरू से अंत तक पूरा एक साथ उत्तर को याद करना चाहिए। नंबर 4, अपने नोटबुक को बंद करके पूरे आंसर को याद करने के लिए आसमान की ओर देखते हुए दोहराइए। किसी भी क्वेश्चन के मेन पॉइंट को ज्यादा दोहराइए ताकि वह पॉइंट पूरी तरह से बस जाए आपके दिमाग में। नंबर 5, अब उत्तर पुस्तिका को देखे बगैर मेन पॉइंट को तेजी से नोट कर लीजिए। समय कम है इसलिए सिर्फ मेन पॉइंट को ही लिखिए। मेन पॉइंट के जरिए ही आपके दिमाग में वो क्वेश्चन का पूरा आंसर बस जाएगा। नंबर 6, इसके बाद उस मेन पॉइंट के जरिए पूरे आंसर को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेन पॉइंट के जरिए बाकी के सारे क्वेश्चन याद करने में सफल हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका एग्जाम सबसे बेहतर जाएगा। नंबर 7, अपने आत्मविश्वास को स्ट्रांग बना के रखे और खुद पर हमेशा भरोसा रखे। और अंत में आपको बताना चाहूंगा कि आप ही वो महान व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में अपने माँ बाप और देश, गांव, शहर का नाम रोशन कर देगा। इसलिए अपना जुनून, हिम्मत, ताकत, दिमाग जो भी है सबको एकाग्र करके पूरे जोश के साथ पढ़ाई में लग जाओ। थोड़ा और थोड़ा करके अपने मन को बहलाते जाओ और हर हालात में तुम पढ़ते जाओ। तुम सब कुछ याद कर सकते हो मेरे दोस्त, और तुम इतना अच्छा एग्जाम दे सकते हो कि 99% तो आना पक्का है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। अधिक लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्त। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।